माँ जिद कर रही थी कि उसकी चारपाई गैलरी में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता, हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया, सब सुविधाएं हैं, नौकरानी भी दे रखी है, पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गई है। माँ कमज़ोर और बीमार है, जिद कर रही है तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ, निकित ने सोचा। माँ की इच्छा पूरी करना उसका स्वभाव था। अब माँ की चारपाई गैलरी में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़ी रहने वाली माँ अब टहलते टहलते गेट तक पहुँच जाती, कुछ देर लॉन में टहलती, लॉन में खेलते, नाती पोतों से बातें करती, हंसती बोलती और मुस्कुराती। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीज़ें लाने की फरमाइश भी करती, खुद खाती, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था। दादी, मेरी बॉल फेंको, गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्ष से बेटे की आवाज़ सुनी तो बेटे को डांटने लगा। अंशुल, माँ बुजुर्ग है, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। पापा, दादी रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकती है, अंशुल भोलेपन से बोला। क्या? निकित ने आश्चर्य से माँ की तरफ देखा। हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था, तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती है, शाम को अंशुल पासी का साथ मिल जाता है, माँ कहे जा रही थी और निकित सोच रहा था। बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।